वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज तो यहाँ पे देख सकते हो 24,480 के आसपास की क्लोजिंग है। 30 पॉइंट्स की गिरावट है 0.12%। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 51,778 के आसपास की क्लोजिंग है। 502 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट है 0.96%। होल्डिंग्स की बात करते हैं यहाँ पे 14 होल्डिंग्स है। इन्वेस्टेड वैल्यू की बात करते हैं 245,492 के आसपास है। करंट वैल्यू 248,619 के आसपास है। टोटल डिविडेंड्स की बात करते हैं और 3,120 रुपये के आसपास की तेजी है 1.27% की। एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं तो शानदार 1,908 रुपीज़ की तेजी है 0.77%। लेकिन बात करते हैं आज था बजट की, आज है 23 जुलाई और यहाँ पे जो बजट है बहुत ही घटिया और बहुत ही वाहियात बजट आया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, सब में टैक्स लगा दिया, एसटीटी में टैक्स लगा दिया, उसके बाद एलजीएसटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हर चीज़ में टैक्स लगा के भाई साहब, मतलब ये लोग चाहते ही हैं कि हम लोग जो है भूखे मरे और शेयर बाज़ार से निकल जाए। फिर जो भी है पावर ग्रिड इंफ्रा की बात करते हैं, 1,053 शेयर्स है, 1,070 रुपये के आसपास डाउन है, 1% की गिरावट है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट की बात करते हैं, 163 शेयर्स है मेरे पास, 635 रुपीज़ की तेजी है, 3% के आसपास की तेजी है। पॉलीकैब इंडिया 3 शेयर्स है, 6,559 के आसपास की तेजी है, 54% की पॉजिटिव रिटर्न से। एंजल वन की बात करते हैं तो 8 शेयर से मेरे पास 8,700 रुपये की तेजी है, 32% की गिरावट है। आईटीसी की बात करते हैं 33 शेयर से, इसके अंदर 5.5% की तेजी हो गई भाई साहब, जबरदस्त 1,800 रुपये की तेजी है 13% के आसपास के रिटर्न से। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इसका आज का एक्स डेट था डिविडेंड का 12 रुपये प्रति शेयर का, तो जिनके पास भी है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो पैसा है वो इसी महीने ही बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 10 शेयर से यानी कि मुझे 120 रुपये मिलेगा, ठीक है, और ऊपर से 2,300-2,400 रुपये का प्रॉफिट तो यहीं पर हो रहा है, 18% की तेजी है। एचयूएल की बात करते तो 5 शेयर से मेरे पास यहाँ पे भी शानदार 12% की तेजी है, 1,493 रुपीज़ की। आईआरबी इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे गिरावट है 175 शेयर से मेरे पास 12 रुपये डाउन है 0.11%। नेस्ले इंडिया की बात करते हैं 4 शेयर से मेरे पास 167 रुपये की मामूली तेजी है, 1.5% के आसपास की तेजी है। राइट्स की बात करते हैं तो 10 शेयर से 1,135 रुपये की तेजी है, इसमें बड़ी गिरावट हुई है 5%, 19% की तेजी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी 104 शेयर से मेरे पास 1,435 रुपये की गिरावट है, लगभग 24% डाउन है। उसके बाद ब्रुकलिन रीट्स की बात करते हैं तो 15 शेयर से मेरे पास 118 रुपये की डाउन है, लगभग 3% की गिरावट है। निपोन इंडिया निफ्टी आईटी ईटीएफ की बात करते हैं तो 396 रुपीज़ की तेजी है, 15% की तेजी है। आईओसीएल की बात करते हैं तो 70 रुपये डाउन है, 4% की गिरावट है। तो ये रहे पूरा पोर्टफोलियो का अपडेट। आई होप को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, किसी वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।